न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर की पीर बाबा वाली मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ईद की नमाज अदा की तथा देश में शांति और अमन चैन की दुआ की गई। इस मौके पर मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्माइल ने वतन के लिए अल्लाह से शांति व अमन चैन की दुआ करते हुए समाज के लोगों को ईद की नमाज अता करवाई। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर जिस भी हुकूमत ने हिस्सा लिया है उन सभी का शुक्रिया। मुस्लिम समुदाय के साथ ही हिंदू समाज के लोगों ने भी मस्जिद में पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी। पुलिस प्रशासन की ओर से भी पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं और मस्जिद में लगातार समुदाय के लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ दूसरे संगठन के लोग भी ईद की बधाइयाँ देने में पीछे नहीं रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौके पर मैं यही कहूँगा, देशवासियों, देश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे। ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है, ये खुशी का पैगाम लाता है और इमाम साहब ने सब मुसलमान भाइयों ने मिलकर देश के अमन चैन के लिए दुआ की है ताकि हमारे देश में भाईचारा बना रहे और बाहरी शक्तियों से हमारा देश सुरक्षित। एक महीने रोजा रखने के बाद, ईद का चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है। ये रोजे समाप्त होने का खुशी का त्यौहार है। सभी सिमैया खाकर, अच्छा लिबास पहनकर ईदगाह में आकर खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ के दुआ करते हैं ताकि पूरे देश मौन और भाईचारा बना रहे। ईद के खुशी के मौके पर हम यही कहेंगे कि हम सब मिलजुल कर रहें और आपस में प्यार और मोहब्बत से जिए और एक दूसरे की इज्जत और कदर करें। यही ईद का पैगाम है, यही पूरे मुल्क के लिए पैगाम है कि हम एक दूसरे की इज्जत और कदर करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम आज की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई आज हमारे तमाम मुसलमानों की खुशी का और त्यौहार का दिन है कि जैसे हम खुश रह रहे हैं और खुश हैं आज, तो इसी तरह हमारे जो सबके पैगंबर हैं और सबके नबी हैं उन्होंने पैगाम का और अमन का दर्श दिया है। तो हम अपनी तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, सबसे पहले अपने सब बिरादरान वतन को, सारे भाइयों को ईद मुबारक का पैगाम देते हैं और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम अमन का, इत्तेहाद का, इत्तिफाक का सबक देते हैं और ये पैगाम देते हैं कि भाई पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह अमन और सलामती को बाकी रखे और सब खुशहाल रहें, सबकी जिंदगियों के अंदर अल्लाह तमाम फितनों से और इनसे महफूज रखे। तो हम आप इस शहर के खुसूसन और जिला कमेटी के और पुलिस प्रशासन के और हुकूमत के, जिन्होंने भी हमारे इस अहम दिन के अंदर इस पैगाम में अमन का हमें ताउन दिया है, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी तरफ से, अपने तमाम मस्जिद वालों की तरफ से और तमाम मुसलमान और बिरादरान वतन की तरफ से कि भाई शुक्रिया और हमारी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम।